खटीमा मुख्य चौक पर आम आदमी पार्टी ने चीन सरकार का पुतला जलाया और लोगों से चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात कही, साथ ही भारतीय सैनिकों के सम्मान में नारे लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता अमन अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से चीन ने भारतीय सेना पर हमला किया वह एक साजिश थी जिसका सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। साथ ही कहा कि मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं लेकिन 20 इंच का नेपाल भारत के लोगों पर हमला कर रहा है, और कहा कि भारत की जनता चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो चाइना सामग्री है उसका बहिष्कार करना चाहिए। और मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने जो आक्रमण किया है ये एक सुनियोजित ढंग से हुआ है। भारतीय भारत की सरकार को समझना पड़ेगा, हमारे शहीद जवान इनका जो बलिदान हुआ है व्यर्थ न जाए। हम अगर उन्होंने हमारे 20 मारे तो कम से कम 200 हम मारे। ये सुनियोजित ढंग से हुआ है, ये सोची समझी साजिश है, ये कोई अचानक हमला नहीं है। ये कई बार हम कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई टाइम समय से देख रहे हैं, चाइनीज आर्मी हमारे हिंदुस्तान में अतिक्रमण करती चली जा रही है और हमारे देश के सैनिकों को अपमान कर रही है। मैं भारत की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनसे कहना चाहता हूँ, आपने कहा था 56 इंच का सीना लेके आए हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 इंच के सीना वाले नेपाल तक हमारी आर्मी को मार रहे हैं, हमारे पब्लिक को मार रहे हैं। मैं आप सरकार से कहना चाहता हूँ, आपने जो 56 इंच की बात कही थी वो 56 इंच का सीना दिखाने की हिम्मत रखें और चाइनीज आर्मी को मकबूल जवाब देने का पूरा तैयारी करें, और हिंदुस्तान की जनता और एक आर्मी आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब ये समय आ चुका है, हमें कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण स्टेप लेना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं ये जिम्मेदारी लीजिए, स्वयं जिम्मेदारी, हमें चाइना की सामग्री का बहिष्कार करना है। ये हमारी देश का मामला है, हमारे हितों का मामला है, हमारे हमारे संस्कृति का मामला है। जिस तरह से अतिक्रमण कर रही है और अगर हम चाइना का सम्मान बेचते हैं तो एक तरीके से हम कहीं ना कहीं चाइना की हम मदद कर रहे हैं। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने मन को मजबूत करके चाइना की हर सामग्री को बहिष्कार करें और जो है उसको पूरा जला के राख कर देना चाहिए।